एक साथ एक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था, आपकी प्रतियोगिता आरंभ होती है। पुनः मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कक्षा तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए गणेश जी का चित्र, पर्यावरण का चित्र, राष्ट्रीय प्रतीक या मेरा परिवार, ये कक्षा तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए है। बच्चों, आप इस विषय में से किसी भी विषय को चुन करके अपनी चित्रकला का चित्रकला शुरू कर सकते हैं, चित्र बनाना शुरू कर सकते हैं। एवं अब ध्यान देंगे बच्चों, कक्षा छठवीं से लेकर के नौवीं तक के बच्चों के लिए तत्कालिक विषय के रूप में दिया जा रहा है जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, कोरोना से बचाव और अनेकता में एकता का प्रतीक। ठीक है, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण दूसरा है, तीसरा है कोरोना से बचाव और चौथा विषय है अनेकता में एकता का प्रतीक। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के विषय हैं। आप लोगों का समय शुरू हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा करके, समय का ध्यान रखते हुए अपनी चित्रकला बनानी शुरू कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की कक्षा के लिए। आप सभी अपने चित्रकला का प्रदर्शन करना शुरू करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चों को एक के बाद एक जो है स्पॉटलाइट पे लाया जाएगा, बीच बीच में उनसे कुछ पलों के लिए चर्चा की जाएगी, परंतु इस दौरान जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार से अपनी चित्रकला बनानी बंद नहीं करनी है। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, कक्षा तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए गणेश जी का चित्र पहला विषय है, दूसरा विषय है पर्यावरण का, तीसरा विषय राष्ट्रीय प्रतीक का है और चौथा विषय है मेरा परिवार। उसी प्रकार कक्षा छठवीं से नौवीं तक के बच्चों के लिए है, प्रथम विषय के रूप में जल संरक्षण है, द्वितीय के रूप में जो है वृक्ष संरक्षण है, तृतीय विषय के रूप में जो है कोरोना से बचाव और चतुर्थ विषय के रूप में है अनेकता में एकता का प्रतीक। चलिए बच्चों, अब आप अपनी चित्रकला शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात का कि आप लोगों को वीडियो में रह करके ही अपनी चित्रकला की प्रस्तुति करनी है। किसी भी प्रकार से कोई चीटिंग नहीं करेंगे, अपने आप को धोखा नहीं देंगे, ना ही आचार्यों को धोखा देंगे। आप सभी वीडियो में आइए और वीडियो में आ करके अपने चित्र का प्रदर्शन कीजिए, चित्रकला का प्रदर्शन कीजिए, है ना। किसी कारणवश अगर नेटवर्क कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को ऑन ही रखिएगा, कुछ न कुछ समय पश्चात जो है वीडियो आपका अवश्य दिखाई देगा। चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं बेटा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको तत्काल मिल जाएगा। हाँ सुखी बेटा, आपने हैंड रेस किया है। कोई कोई
कोई प्रश्न है आपका? हाँ रुकिए, आपको अनम्यूट करते हैं। जी बेटा बताइए। भैया जी, हम बिना कलर का ओनली पेंसिल शेडिंग करने से ही चलेगा? आप लोगों को पूर्व में बता भी तो दिया गया था बेटा कि आप अपनी सुविधा युक्त सर्व सुविधा युक्त जो भी आपके पास सामग्रियां हैं उसके तहत जो है आप लोग अपनी चित्रकला करेंगे, चाहे कलर पेंसिल हो चाहे स्केच पेंसिल हो, है ना। तो अगर आपके पास अभी उपलब्धता नहीं है तो आप अपने जिस भी तरीके से आप अपनी चित्रकला बनाना चाहें बना सकते हैं। चित्रों में रंग ना हो तो चित्र सादे नजर आते हैं, है ना। इसीलिए पहले से ही बताया गया था कि आप अपनी सुविधा अनुसार स्केच पेन, एक्रेलिक कलर, सीस पेंसिल, रबर जो भी हो उससे आप अपना चित्र बना सकते हैं। चलिए ठीक है, बनाइए आप सभी अपना अपना चित्र। श्रुति बेटा स्केच आर्ट के बारे में बोल रही है आचार्य जी, उसमें कलर यूज नहीं करते हैं। जी 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 मैं समझ गया आचार्य जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं जी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन स्केच आर्ट में। कहीं कहीं नेटवर्क की समस्या है इसलिए जो है मैं आप लोगों को पुनः बता देता हूँ। कक्षा छठवीं से लेकर के नौवीं तक के बच्चों के लिए, मतलब कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं, कक्षा आठवीं और कक्षा नौवीं, है ना, इन सभी बच्चों के लिए तात्कालिक विषय दिया गया है जिसमें प्रथम विषय है जल संरक्षण का, द्वितीय विषय है वृक्ष संरक्षण का, तृतीय विषय है कोरोना से बचाव और चतुर्थ विषय है अनेकता में एकता का प्रतीक। ठीक है, इसी चीज की समस्या मैं आप के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि कहीं ना कहीं नेटवर्क की कोई समस्या होगी जिसकी वजह से आवाज नहीं पहुंच पाई होगी या सुन नहीं पाए होंगे, तो आप बिल्कुल अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आप सभी को ये जो चार विषय दिए हुए हैं उनमें से किसी एक विषय पर अपने चित्रकला का प्रदर्शन करना है। समय सीमा का ध्यान रखेंगे, समय आप लोगों को केवल 45 मिनट का दिया गया है। इस 45 मिनट के अंदर आप लोगों को अपनी चित्रकला पूर्ण भी करनी है, उसका फोटो भी खींचना है, स्क्रीनशॉट भी लेना है बनाते हुए, और साथ ही साथ उसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो नंबर है 9340400893 उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप भी करना है। तो बच्चों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अपनी चित्र पूरा कर लेने के पश्चात उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ उसमें अपने जिले का भी नाम लिखेंगे। सुस्पष्ट नाम लिखिएगा क्योंकि कहीं कहीं चित्र के बाद जो है आप नाम जो लिखते हैं बच्चे लोग प्रायः छोटी राइटिंग होने की वजह से स्पष्ट नहीं दिख पाता है। तो आप लोग अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखिएगा, कक्षा भी लिखिएगा और जिले का नाम भी लिखिएगा। आप सभी बच्चे स्क्रीन में देखिए, आयुष की स्क्रीन देखिए, उनका स्केच भी दिख रहा है बनाते हुए और वो भी दिख रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही अपना कैमरा को सेट कर लीजिए कि आपके चित्र भी दिखे हमें बनाते हुए। ठीक है बच्चों, हमारी महेश्वरी दीदी के यहाँ भी बच्चे बहुत ही संख्या में हैं, हम उन बच्चों को भी लेके आते हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। दीदी सामने में जो बच्चा बैठा है वो 5 मिनट में इतना बड़ा चित्र बना लिए।
सभी महेश्वरी दीदी के यहाँ में सभी बच्चे अपना ड्राइंग शीट को एक बार हाथ में लीजिए, तो हम देखना चाहते हैं आप क्या क्या बना रहे हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी ड्राइंग शीट इस तरीके से लेनी है जिसमें आपका चेहरा भी दिखाई दे और आपकी फोटो भी दिखाई दे, है ना। अपने अपनी ड्राइंग अपने अपने हाथ में लीजिए इस तरीके से। महेश्वरी दीदी के यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी बात है। बहुत अच्छा बेटा, बनाइए आप लोग चित्र। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। चलिए चलिए बनाइए। ठीक है बेटा, पूरा कीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाइए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अन्य बच्चों के पास चलते हैं। बेटा कैमरा एंगल सीधा कीजिए। आयुषी हेलो। हाँ बेटा आप अभी ज्वाइन हुए। हाँ दीदी जी, टॉपिक कौन कौन से है? चलिए ठीक है, बताइए चाची टॉपिक। ध्यान देंगे, कक्षा तीसरी से पांचवी तक के अगर आप हैं उस बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गणेश जी, पर्यावरण, राष्ट्रीय प्रतीक या मेरा परिवार, इन चार में से किसी एक का बनाना है। और अगर आप कक्षा छठवीं से नौवीं के बीच में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जो है तत्कालिक विषय में जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, कोरोना से बचाव और अनेकता में एकता का प्रतीक, इनमें से किसी एक विषय पर आपको चित्रकला का चित्र बनाना है। ठीक है जी आचार्य जी। जी बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आप देर में जुड़े कोई बात नहीं, और ध्यान रखेंगे, वीडियो में रहेंगे बेटा। हैं आप सभी से निवेदन है कि जितने भी बच्चे हमारे प्रतिभावान बच्चे जुड़े हुए हैं आज की प्रतियोगिता में, वह सभी वीडियो में रह करके ही अपनी चित्रकला बनाएंगे, ऑफलाइन हो करके या वीडियो बंद करके नहीं बनाना है। ये नंदिका बेटा जी जुड़ी हुई हैं, वो उनका जो कैमरा एंगल है वो, हाँ ठीक है बेटा, कैमरा एंगल ठीक सेट कर लीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चे बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न होकर के अपनी चित्रकला में भिड़े हुए हैं, और जिस तरीके से आप सभी इतनी लगन से, इतनी मेहनत से इस कार्य को कर रहे हैं, लग रहा है कि आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, कि विषय मिलते के साथ ही आप लोग बिल्कुल लग गए चित्रकला का प्रदर्शन करने में। चित्रों में जिस भी प्रकार का आप चित्र बनाए, स्केच आर्ट हो, रंगों से भरा हुआ हो, है ना, तो आप लोगों को बता दूं जितने अच्छे तरीके से, जितने साफ साफ सुथरे तरीके से आप जो है चित्र बनाएंगे, आपकी प्रतिभा आपका चित्र में उतना ही ज्यादा निखार आएगा। आशा है कि आप लोगों ने पूर्व में अभ्यास भी किया होगा इस चीज का।
सभी बच्चों को यहाँ से देखा जा रहा है। जिन बच्चों का वीडियो बंद है और वो चित्र भेजेंगे तो उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। Easy drawing for जयराज बाल पांडे जो जुड़े हुए थे अभी अभी, बेटा आप वीडियो में आइए। देखिए आपके बाकी जितने भी मित्र जो चित्र बना रहे हैं, जो भी भैया दीदी बना रहे हैं, सभी वीडियो में हैं। आप सभी वीडियो में रह करके ही अपना चित्र बनाएंगे। हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जयराज आ
किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी तो वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको तत्काल मिल जाएगा। आप सभी अपनी चित्रकला बनाते रहेंगे। मैं आप लोग को बता देता हूं कि कक्षा का जो समय है वो आप लोगों की चित्रकला की कक्षा का जो समय है वो 45 मिनट है, और प्रतियोगिता का जो आरंभ हुआ है जिसमें आप लोगों को तात्कालिक विषय दिया गया था उस वह जो समय है अंतिम समय 10:10, उस समय से कक्षा का समय आरंभ हो चुका है। तो इसके हिसाब से आप सभी समय का ध्यान रखते हुए अपना अपना चित्र बनाएंगे, और किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आने पर आप जो है चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। 10:10 में कक्षा का आरंभ हो चुका है, ठीक है बच्चों। समय समाप्त होने के पूर्व आपको सूचना दी जाएगी कि आपको उस समय पर अपनी चित्रकारिता बंद कर देनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर फोटो खींचना है और फोटो खींच करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ध्यान रहे, पुनः आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप सभी अपना नाम साफ सुथरे अक्षरों में, कौन सी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं वह, अपने जिले का नाम, ये तीन चीज चित्र में अवश्य रूप से लिख करके फोटो खींच करके भेजें, ठीक है बच्चों। पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, निरंतर आप अपनी चित्रकला पर फोकस करिए, अच्छे से अच्छा चित्र बना करके प्रदर्शित कीजिए, यही उम्मीद है आपके लिए। Thank you.
हाँ गणेश बेटा जी का कोई प्रश्न है? एक मिनट बेटा है, अनम्यूट होइए बेटा, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। पहले माइक चालू कीजिए बेटा, आपसे स्वतः माइक ऑन कीजिए। हाँ अब बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर सर, व्हाट्सएप नंबर बताओ। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में भी है बेटा, आप लिख सकते हैं एक बार और नंबर नोट कर लीजिए जिसमें आपको फोटो भेजनी है। 4 0 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 8 9 3 8 8 9 3 8 9 3 बताइए बेटा नंबर आपने कौन सा नोट किया है? 9 3 4 0 4 0 ठीक है, 404 के बाद 00 है ना, 00893 आपके चैट बॉक्स में भी है, आप नंबर वहां से भी देख सकते हैं। जयराज बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं? आचार्य जी नंबर बता फिर से दोहराइए। क्या मोबाइल नंबर? हाँ हाँ चलिए लिखिए 9 3 9 3 4 0 4 4 0 4 00 8 9 3 8 9 3 3। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और जिन भी बच्चों को कोई समस्या आ रही हो वो बिल्कुल चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और ध्यान रहे नंबर आपको चैट बॉक्स में भी दिया गया है नाम के साथ में, तो आप अविलंब जो है नंबर सेव करके उस पे अपना चित्र बनाते हुए स्क्रीनशॉट और चित्र का फोटो, कक्षा का नाम, अपना नाम और जिले का नाम लिख करके अवश्य प्रेषित करें। हमारे तीन और बच्चे हैं। अच्छा यशस्वी यादव बेटा है, सातवीं आठवीं या नौवीं के बच्चों का एक ही विषय है, जो आचार्य जी फिर से रिपीट कर दीजिए बच्चों को विषय को, छठवीं सातवीं आठवीं और नौवीं। छठवीं कक्षा, छठवीं कक्षा, सातवीं कक्षा, आठवीं और कक्षा नौवीं के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए एक ही विषय है, जो चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ही आपको चित्र बनाना है, जिसमें पहला विषय है जल संरक्षण का, दूसरा विषय है वृक्ष संरक्षण का, तीसरा विषय है कोरोना से बचाव और चौथा विषय है अनेकता में एकता का प्रतीक। यह जो चार विषय दिए बताए गए हैं यह कक्षा छठवीं से लेकर के नौवीं तक के छात्र छात्राओं के लिए है। पुनः आपको दोहरा देता हूं, पहला विषय है जल संरक्षण, दूसरा विषय है वृक्ष संरक्षण, तीसरा विषय है कोरोना से बचाव और चौथा विषय है अनेकता में एकता का प्रतीक। पुनः आपको बता देता हूँ, आपको चित्र के साथ नाम, अपना नाम, आपके जिले का नाम और आप किस कक्षा में पढ़ते हैं ये भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अपने चित्र में ही आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा और स्पष्ट होना चाहिए आपकी कक्षा
और आपके जीरे का नाम। और अब जब चैट बॉक्स में आप जब व्हाट्सएप में जब हमें भेजेंगे तो व्हाट्सएप में भी अपना नाम, कक्षा व जिले का नाम को अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद। जिनका जिनका चित्र बन जाएगा वो हैंड रेस करेंगे, हम उन बच्चों को इसको स्लाइड पर लेके आएंगे। वह गणेश बेटा बन गया आपका चित्र। चलिए, आपके भाई का नहीं बना है, बहन नहीं हमारी गुड़िया। चलिए, वेरी गुड। कक्षा छठवीं से नवीं तक के बच्चों को जो विषय दिया गया है ना, उनमें से किसी भी एक विषय पर आप लोगों को चित्र बनाना है। चाहे आप जल संरक्षण पर बनाएं, चाहे वृक्ष संरक्षण पर बनाएं, कोरोना से बचाव पर बनाएं, या फिर अनेकता में एकता के प्रतीक में बनाएं। बहुत अच्छा, अभी से ही बच्चों की प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी चल रही है और कुछ बच्चों ने तो अपना चित्र बना भी दिया, शायद धीरे धीरे फोटो खींच के भेजते जा रहे हैं बच्चे लोग। बहुत ही अच्छी बात है ये कि समय का ध्यान रखते हुए आप लोग जो है अपना चित्रकला पूर्ण करेंगे और उस चित्रकला में अपना नाम, अपनी कक्षा और अपने जिले का नाम साफ साफ लिख करके भेजेंगे। और आप सभी से एक और निवेदन है, फोटो खींचते समय आप ये सावधानी बरतेंगे कि आपको दोबारा वह फोटो खींच करके भेजनी ना पड़े। अच्छे से साफ सुथरे तरीके से स्टेबल रखते हुए कैमरे को आप अपना फोटो खींच करके, अपने चित्र का फोटो खींच करके भेजेंगे, क्योंकि तो कई बार क्या होता है ना कि कभी कैमरा हिल जाता है, कभी पंखा चल रहा होता है तो कागज उड़ जाता है, तो गलती से जो है अरे भेजा गया आचार्य जी को, अब कैसे करें। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ही आप लोग को बताया जा रहा है कि अच्छे तरीके से एक बार में फोटो खींच करके भेजेंगे। अंधेरा होगा तो फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल का, ठीक है, और अगर अंधेरा नहीं होगा, पर्याप्त रोशनी होगी, तो आप ऐसे ही फोटो खींच करके भेज सकते हैं। हाँ आकाश बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट हो जाइए बेटा। वो मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। चित्र दिखाइए, आप अपना चित्र दिखाइए बेटा, ऐसे पहले स्क्रीन पे यहाँ दिखाइए, हमारे बाकी सभी बच्चों को भी, आपके सभी जो अन्य जिले से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको भी दिखना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। दो दो पहले के आस पास की, और इधर नाम दिखाइए, कैमरा एक जगह रखिए बेटा, दिख नहीं पा रहा है स्पष्ट रूप से। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बहुत सुंदर चित्र बनाया बेटा आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कक्षा आठवीं का है ये चित्र जी। जी बहुत अच्छा बेटा, धन्यवाद। जिन जिन बच्चों का चित्र पूर्ण होते जा रहा है वो बच्चे जो है चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमारा पूर्ण हो गया है ना, और पूर्ण हो जाने के, हाँ पूर्ण हो जाने के पश्चात आपको अपना फोटो जो आपने चित्रकला बनाई है
आपको उसको दिखाना भी आयुष है। बेटा आपका हो गया है तो अपना चित्र दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए, चित्र दिखाइए बेटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बनाया बेटा आपने चित्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा चित्र बनाया आपने। डिंपल बेटा आपने भी पूरा कर लिया? जी सर जी। दिखाइए बेटा आप अपना चित्र दिखाइए। एक सेकेंड बेटा। अरे वाह, बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारे गणेश जी बनाया आपने। बेटा आप अपना नाम को ना थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दीजिए, तो क्या है ना अच्छे तरीके से दिख नहीं पा रहा है वो, और कैमरा में जब आप फोटो भी खींचेंगे ना तो नाम, कक्षा का नाम और जिले का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, है ना। ध्यान रखेंगे आप बच्चे लोग, नाम, कक्षा का नाम और जिले का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई हो एक ही फोटो में। हाँ दिखाइए बेटा आपने क्या बनाया। यशस्वी बेटा है ना, आपने क्या बनाया बेटा दिखाइए, आप स्पॉटलाइट पे हैं, अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए। यशस्वी बेटा अनम्यूट हो जाइए, आप अपना चित्र दिखाइए क्या बनाया है आपने। आपके तरफ का नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, आवाज पहुंच रही है बेटा, अनम्यूट किए। अरे वाह, बहुत सुंदर बेटा, अच्छे तरीके से फोटो क्लिक करके आप भेज दीजिएगा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ हमारे अलग बेटा ने क्या बनाया है, अरे वाह बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत प्यारा तिरंगा झंडा बनाया है, बहुत सुंदर, अच्छे से फोटो खींच के भेजना बेटा है, दोबारा भेजने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत सुंदर बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यारा चित्र बनाया आपने। अब ये हमारे बच्चे लोग तो इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि मतलब समय तो पूरा होने ही देना ही नहीं चाहते, तुरंत तुरंत बिल्कुल, इतनी एक्टिवनेस, यही जो है हमारे बाल संस्कार शाला को उद्देश्य रहता है कि बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार प्रसार किया जाए, वह उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित करें, जिसकी बदौलत, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं कि बच्चे समय से बेटा आप चित्र दिखाइए अपना अच्छे से, क्या बनाया है आपने। नहीं दिख रहा है बेटा। वंदना बेटा चित्र दिखाइए अच्छे से। राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा चित्र बनाया आपने। और आपकी बहन प्रतिष्ठा क्या बनाई है। जिन जिन बच्चों को हो गए है ना वो अपना जो है चित्र दिखा सकते हैं। अब बच्चों माइक ऑन नहीं करेंगे, आप जो स्पॉट लाइट पे आएंगे अपना चित्र दिखाते जाएंगे, है ना।
जिनका चित्र पूरा नहीं हो पाया होगा ना वो बनाते रहेंगे, उनको बाद में फिर से स्पॉटलाइट के लिए आया जाएगा। आपने भी आपने गणेश जी का चित्र बनाया है, बहुत सुंदर बेटा। सॉरी प्रताप साहू, बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत सुंदर चित्र बनाया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनवी बेटा क्या बनाए हैं आप? देखिए आपका चित्र पंखा चालू है शायद बेटा, उड़ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत कड़ी मेहनत करी है बेटा आप लोगों ने, बहुत सुंदर आपने चित्र बनाया है। श्रुति बेटा आपने क्या बनाया है? श्रुति बेटा अपना चित्र दिखाइए। बेटा कैमरा स्टेबल रखेंगे, हाँ ठीक, कोरोना से बचाव का चित्र है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा आपने स्केच आर्ट किया है। आप लोगों की प्रतिभा वाकई में बहुत ज्यादा सराहनीय और प्रशंसनीय है। और आयुष्मान बेटा ने क्या बनाया है? अच्छा, इन्होंने भी प्रकृति से जुड़ा हुआ ही चित्र बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बेटा प्रदर्शन किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारी कुसुम बेटा आपका पूरा हो गया? दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं शायद, हो पाया है कि नहीं? माइक ऑन नहीं होगा बेटा, आप अपना चित्र दिखाइए। कुसुम बेटा हैंड स्केच थे, चित्र हो गया आपका? चित्र हो गया है तो कैमरा का दूसरा एंगल सेट करके जो है आप चित्र दिखा सकते हैं। चित्र दिखाएंगे बेटा? बैक कैमरा का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको चित्र दिखाते बन जाएगा। ऐसे पकड़ के दिखा दीजिए, नहीं हो रहा है तो कुसुम बेटा ऐसे पकड़ के दिखा दीजिए चित्र। हर्षवर्धन बेटा आपने क्या बनाया है? चित्र दिखाएंगे अपना? बहुत सुंदर बेटा, बहुत 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 प्यारा चित्र है, रंगों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है आपने, बहुत सुंदर बनाया है आपने चित्र, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत अच्छा चित्र बनाया है आपने। आप सभी को चित्र बनाने के बाद रुकना है, जब तक शांति पाठ ना हो जाए, सभी बच्चों को यथावत रहना है। कोई बच्चा अपने से लेफ्ट नहीं होंगे, कोई भी बच्चे जो है कक्षा नहीं छोड़ेंगे, शांति पाठ के बाद में ही कक्षा समापन किया जाएगा। और चित्र बेटा क्या बनाए हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपने चित्र बनाया है। नाम को अच्छे गाढ़े अक्षरों में लिख दीजिएगा। और ऋतुराज बेटा जी क्या बनाया है आपने? अरे वाह, गणेश जी बनाए भाई, बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा गणेश जी बनाया आपने। कक्षा का नाम, अपना नाम और अपने जिले का नाम अवश्य लिखिएगा। और अश्विनी बेटा ने हमारा बनाया है मसाल का चित्र, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल्याणी दीदी के घर से बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं बालक के द्वारा, अनेकता में एकता का प्रतीक। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर।
यशस्वी बेटा क्या बनाए हैं? माइक ऑन मीडिया चित्र दिखाइए। आप नहीं दिखा पाए थे शायद नेटवर्क के वजह से, पुनः एक बार दिखा दीजिए। कैमरा को दिखाइए बेटा, कैमरा एंगल सामने खड़ा कीजिए, पेपर को। माइक ऑन नहीं होगा, माइक ऑन नहीं होगा बेटा, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। वेरी गुड, चलिए हम अन्य बच्चों के पास चलते हैं। जल संरक्षण के तहत और आप गुड़िया क्या बनाई है बगल में कमल के बाद? माइक ऑन नहीं बेटा, माइक ऑन नहीं होगा, अपना चित्र दिखाइए। शायद समझ नहीं पा रहे हैं गुड़िया। नहीं समझ गए आचार्य जी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उन्होंने चित्र बनाया है जल संरक्षण पर्यावरण के, उसमें जो है उन्होंने चित्र बनाया जल संरक्षण के तहत। डिंपल बेटा, डिंपल बेटा, डिंपल बेटा ने गणेश जी का चित्र बनाया है, बहुत सुंदर बेटा। नाम, कक्षा का नाम और जिले का नाम स्पष्ट रूप से लिखिएगा, है ना, हो सकेगा तो अपनी जो चित्र है उसको ऊपर में जो है नाम लिख दीजिएगा कि आपने कौन सा चित्र बनाया है। अरे वाह सोनी, सूर्य प्रताप सिंह कक्षा दूसरी, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा सिंपल सा पेंटिंग है, आपने बहुत अच्छा पेंटिंग किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। डिंपल बेटा आपका हो गया था ना? हाँ दिखा दिए हैं डिंपल बेटा। बच्चों अंतिम 5 मिनट का समय शेष बचा हुआ है, जिन जिन बच्चों ने अपना फोटो चित्र बना लिया है उसका फोटो खींच करके ग्रुप में भेज देवें, और ऑनलाइन क्लास में आप लोगों की चित्रकला की जो भेजिएगा बेटा, ग्रुप में नहीं भेजना है, व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है, जिला प्रभारी भैया के नंबर, कार्यक्रम प्रभारी भैया है हमारे चित्रकला का, उस नंबर पे भेजना है आप सभी को। बहुत सुंदर बेटा, आपने भी बहुत प्यारा चित्र बनाया है। रिया, रिया बेटा ने क्या बनाया है देखिए तो, अरे वाह ये तो बिल्कुल अद्भुत रंगीन चित्र बना दिया बेटा आपने, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा चित्र बनाया आपने बेटा। आप अपने चित्र पे ना अपना नाम, अपनी कक्षा और जिले का नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना, नहीं तो उससे हमें पता नहीं चल पाएगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो कौन है या कौन सी कक्षा का है, है ना। तो अपनी फोटो में कक्षा नाम और जिले का नाम अवश्य लिखें। बहुत अच्छा बेटा, आप सभी ने अपने अपने चित्रकला को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है, बहुत प्यारे प्यारे रंगों का आपने उपयोग किया है, स्केच आर्ट भी हमें बहुत प्यारे प्यारे देखने को मिले, है ना, और साथ ही साथ आप लोगों की प्रतिभा जो है बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। आप लोगों ने जितना भी प्रदर्शन किया इतने कम समय में, तत्कालिक रूप से जो आप लोग को विषय दिए गया उसमें भी और पूर्व में भी आप लोगों को जैसा कि बता दिया गया था तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए जो है विषय पहले ही दिया गया था, तो आप लोगों ने उसकी भी जो तैयारी की वो भी बहुत काबिले तारीफ है, है ना। मानना पड़ेगा आप लोग की मेहनत को और आप लोगों के जो कला है जो आप लोगों के अंदर उसको, जिसमें इस कला को निखारने के लिए हमारे बाल संस्कार शाला के सभी जिले के आचार्य अहम भूमिका निभाते हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी के माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपको और आपके साथ साथ आस पड़ोस के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया बाल संस्कार शाला में जुड़ने के लिए एवं जुड़ते के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए। आप सभी बच्चों की प्रस्तुति बहुत ही ज्यादा सराहनीय रही, बहुत ही ज्यादा
उत्साहवर्धन के साथ आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में अपनी कला का प्रदर्शन किया। शुभम बेटा आपका चित्र हो गया पूरा, अनम्यूट नहीं होंगे, माइक नहीं खुलेगा, आप अपना चित्र का चित्र दिखाइए कैसा बनाया आपने। बहुत सुंदर बेटा, हाँ प्रकाश की थोड़ी कमी लग रही थी जी, बहुत अच्छा चित्र बनाया बेटा आपने, अच्छे से फोटो खींच करके, एक ही फोटो खींचेगा, अच्छे से फोटो खींच करके भेजिएगा। अरे बेटा सीरीज बेटा ने तो गणेश जी बनाया, बहुत सुंदर। कनक बेटा आपका चित्र पूरा हो गया, आपका चित्र पूरा हो गया, दिखाइए क्या बनाया आपने। गुंजन, गुंजन बेटा आप पूरा कर लिए, दिखाइए। बहुत साफ सुथरी है, बहुत प्यारी पेंटिंग है, बहुत अच्छा आपने चित्र बनाया बेटा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लीसा बेटा ने क्या बनाया है, बेटा कैमरा एक जगह रखेंगे, हिल रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। वाह बहुत अच्छा बेटा, आपने भी बहुत प्यारा चित्र बनाया। मयंक आपका हो गया बेटा पूरा, दिखाइए अपना चित्र। आप सभी बच्चों को पुनः बता दे रहा हूं कि आप में से कोई भी लेफ्ट नहीं होंगे, है ना, शांति पाठ के बाद में ही आप लोगों को छुट्टी दी जाएगी। बहुत सुंदर बेटा, मयंक बेटा बहुत अच्छा चित्र बनाया आपने। चलिए बच्चों अब समय पूरा हो चुका है, आप सभी अपना जो भी चित्रकारिता है वो करना बंद करें, है ना, समय क्योंकि पूर्ण हो चुका है। बहुत अच्छा बेटा कनक आपका चित्र देख लिए, फोटो खींच करके आप समय इस कक्षा के अंतर्गत ही आपको भेजना है, बाद कक्षा समाप्त होने के बाद अगर आप भेजेंगे तो फिर थोड़ा समस्या हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रहे बच्चों कक्षा जब तक चल रही है उसी समय के अंदर में ही आप लोगों को चित्र भेजना है। तो इस तरीके से आज की कक्षा में चित्रकला ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का समय यही समाप्त होता है। अब आप सभी बच्चे अपने ड्राइंग शीट, पेन, पेंसिल, कागज, कलम जो कुछ भी होगा उसे आप किनारे रख देंगे, कोई भी अब चित्रकला नहीं करेगा। सभी बच्चे को 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट और चित्र का फोटो खींच के हमें 10 मिनट के अंदर में भेज सकते हैं। अब आगे के संचालन के लिए आदरणीय आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, अतिरिक्त समय जो आप लोग को प्रदाय किया गया है उसका सदुपयोग करें। जिन जिन लोगों ने पूरा कर लिया है ना, आप लोगों के कैमरे की स्क्रीन पर इस जगह पर ना हाथ उठा हुआ ऐसा दिख रहा होगा, उसको बंद कर लेंगे बेटा, लोअर हैंड कर लेंगे। चलिए बच्चों अब जो है आप लोग अपना जो समय बचा हुआ है उसका उपयोग करिए। आप सभी लोगों को मालूम है कि यह सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं और यह जो ऑनलाइन संचालन का जो क्रम है यह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के स्तर से शुरू हुआ है, जिसके प्रमुख जो है हमारे आदरणीय सर्व आदरणीय ओम प्रकाश भैया जी हैं, ओम प्रकाश राठौर जी उनका पूरा नाम है। यह हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, इन्हीं की आईडी पर और अन्य जो कार्यक्रम हो रहे हैं इनके ही मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं संचालित सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, नारी जागरण का कार्यक्रम हो, बाल संस्कार शाला का कार्यक्रम हो, किशोर संस्कार शाला का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम जो ऑनलाइन
आप सभी देखते हैं, समझते हैं, वह सभी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रमुख के मार्गदर्शन में ही होता है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश भैया को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना आशीर्वचन बच्चों को प्रदान करें एवं मार्गदर्शन दें। आदरणीय ओम प्रकाश भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति भाई। मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा था बच्चों की जिस प्रकार लगन, निष्ठा, रुचि चित्रकला प्रतियोगिता में रही है, ठीक उसी प्रकार की लगन, निष्ठा आप दोनों आचार्यों की भी रही है। पहली बार मैंने देखा शक्ति भैया की संचालन, बच्चों के प्रति उनका लगाव, बच्चों के लिए उनका स्नेह। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों आचार्यों को धन्यवाद देता हूँ और उसके बाद मैं बच्चों के बारे में कहना चाहूँगा। अच्छा बच्चों, आप लोग चित्रकला में भाग लिए हैं, कैसा लगा आप लोग को? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मजा आता होगा चित्रकला बनाने में। बच्चों मजा तो और भी कार्यों में आपको आता होगा ना, जैसे कि आपको यदि आइसक्रीम मिल जाए कितना मजा आएगा, कहीं घूमने फिरने के लिए कोई ले जाए आपको कितना मजा आएगा। लेकिन उन सब मजा के को तुलना करें कि आपके चित्रकला से, तो मुझे जो महसूस होता है कि चित्रकला का आनंद, चित्रकला का लाभ कुछ विशेष होता है। कैसे होता है? आप जब चित्र बनाना शुरू किए तब आपने गौर किया होगा कि आपका ध्यान आपको चित्र बनाने में लगा था। आपका ध्यान यदि चित्रकला बनाने में नहीं लगे तो आप चित्र बना ही नहीं सकते। पूरा पूरा ध्यान आपको केंद्रित करना होता है तब जाके आप किसी भी चीज का चित्र बना सकते हैं। तो इससे एक सीख मिलता है हमको, जब भी कोई चित्र बनाता है तो सारा ध्यान को उस चित्र में केंद्रित करना होता है। आप तो जानते ही हैं, जब हम अपना ध्यान किसी भी एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो उसका कितना बड़ा फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है बच्चे? फायदा ये मिलता है कि हमको मानसिक बल प्रदान होता है। हमारा मस्तिष्क में, मस्तिष्क को ताकत मिलती है, इसकी क्षमता में विकास होता है, जिसको मैंने शुरुआत में कहा था मानसिक बल। चित्रकला से ध्यान एकाग्र होता है, ध्यान एकाग्र होने से मानसिक बल प्राप्त होता है, और मानसिक बल से क्या मिलता है? मानसिक बल से स्मरण शक्ति तेज हो। आज आपने जो चित्र बनाया है, एक महीने के बाद भी आपको बोला जाएगा कि उस दिन चित्रकला प्रतियोगिता में आपने कौन सा चित्र बनाया था, आप पुनः बना सकते हैं क्या? तो निश्चित रूप से बना सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो छा चुका है, स्मरण शक्ति आपकी तेज हो चुकी है, ये आपको इसका खास फायदा मिलेगा। और स्मरण शक्ति तेज होने से क्या फायदा मिलेगा आप तो जानते ही हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको चाहते हैं कि आपकी स्मरण बना रहे, तो स्मरण शक्ति तेज होने से आप उसको स्मरण कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, तो इतना फायदा मिलता है। और क्या फायदा मिलता है चित्रकला से? चित्रकला से आपका मन प्रसन्न होता है। हर एक व्यक्ति में कोई न कोई रुचि होती है एक खास किस्म, जैसे कि आपको चित्र बनाने में रुचि है, तो किसी को लेखन शैली में रुचि होती है, तो किसी को गायन में रुचि होती है, तो किसी को वाद्य में रुचि होता है। तो जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र का उपयोग उसे अपने जीवन में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के अलावा करना चाहिए और साथ साथ करना चाहिए। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं यदि चित्र बनाने लग जाऊंगा तो मेरे पढ़ाई में नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको यह पढ़ाई में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? मान लीजिए आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ते पढ़ते आपका मन उचट रहा है, आपका मन साथ नहीं दे रहा है पढ़ने को, लेकिन आप तो फिर भी पढ़ते जा रहे हैं, चाहे शिक्षक ने कहा है, चाहे घर के अभिभावकों ने कहा है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में
जब आप पढ़ भी रहे हैं और आपको पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है फिर ही पढ़ रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप ऐसे समय में पढ़ाई को बंद कर दीजिए उस समय, फिर क्या करें। यदि आपके घर पे ऐसी जगह है घूमने फिरने का इच्छा है तो छत में टहल लीजिए, आसपास आप आंगन में टहल लीजिए, और यदि वैसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपना पेंसिल निकालिए, ड्राइंग शीट निकालिए और कोई आपके मनपसंद चित्र बनाने लग जाए, दिमाग को उस दिशा से अन्य दिशा में ले जाइए। देखिएगा व्यक्ति जब मन से थक जाता है तो उसे वो कार्य करना चाहिए जो उसे बहुत प्रिय है, बहुत रुचि का कार्य है, तो उसमें मन लग जाएगा उस कार्य को करने के लिए और उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, मन फिर से तरोताजा हो जाएगा और उसके पश्चात आप फिर से पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। देखिए जैसे आप पहले पढ़ने में आपका मन लगता था वैसे ही दोबारा फिर से आपका मन लगने लग जाएगा, फिर से आप तरोताजा हो जाएगा, मस्तिष्क आपका फिर से उस बातों को स्मरण करने लग जाएगी जिस चीज को आप पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी आपका मन परेशान हो आपका चित्रकला आपका निकटतम दोस्त है ऐसा हम मान सकते हैं। आप कभी हम देखते हैं ना जब परेशान हो जाते हैं तो हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, अपनी दुख अपनी मन को हल्का करते हैं, तो यदि ऐसे मित्र आपके नजदीक हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आपके निकटतम मित्र आपका ये चित्रकला है, आप उनके साथ बैठिएगा तो आपके मन को हल्का लगेगा। बच्चों निश्चित रूप से आपकी ये प्रतिभा है, प्रारंभिक प्रतिभा है, और छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार की चित्र बनाई हैं उनका मौलिक चित्रण है, बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं यदि अभिभावक गण से जुड़े होंगे उनके तो उनको भी कहूँगा कि आप इनकी प्रतिभा को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। आप कभी यह मत सोचिए कि यदि इसमें लगे रहेंगे तो उनकी पढ़ाई को क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, मस्तिष्क इनका खुलापन रहेगा और बच्चों के मन को प्रसन्न रखने के लिए उनकी पसंद की कला को निखार दीजिए जिससे कि वो उस कला में भी माहिर हो जाएंगे और साथ साथ उनका मन जब प्रसन्न होगा तो आप जो चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से ऑनलाइन या क्रांति प्रतियोगिता में जितने भी बच्चों ने भाग लिया मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके अभिभावकों को भी उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेरित किया इस दिशा में, और आज के इस कक्षा के संचालन के लिए बहन नेहा और भाई शक्तिराज गुप्ता इन दोनों को खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ क्रांति और प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ की ओर से। आप दोनों ने बहुत ही सुंदर संचालन किया है, बहुत ही व्यवस्थित संचालन किया है आज की संपूर्ण कार्यक्रम के लिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका आशीर्वचन बच्चों को प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आपने बताया कि किस तरीके से बच्चे जो है किसी भी चीज को ग्रहण करने की शक्ति अपने अंदर और बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन और आशीर्वचन हमें निरंतर मिलता रहे ऐसी कामना करता हूँ। तो चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका, आप सभी बच्चों का, आप सभी पालकों का, आप सभी आचार्य गणों का, क्रांति युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं कि आज की यह प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है, परंतु उससे पूर्व एक सूचना है आप लोगों के लिए, और वह सूचना यह है कि कल दिनांक 22 तारीख को 22/5/2022 दिन रविवार को इसी समय सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक लेखन प्रतियोगिता होनी है,